इस समय जिला यमुनानगर के गदौली कॉलोनी की तस्वीर है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें। एक बार मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, एक बार तस्वीरें यहाँ की दिखाइए कि किस प्रकार से जो टाउन प्लानिंग के द्वारा यहाँ पर जेसीबी द्वारा जो ये मकान बन रहे थे उनको तोड़ दिया गया है। आप देख पा रहे थे लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर टाउन प्लानिंग द्वारा जो ये मकान तोड़ दिए गए हैं, गदौली कॉलोनी यमुनानगर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेसीबी द्वारा टाउन प्लानिंग के तहत जो भी निर्माण की जो बात की गई थी कि जो बिना एनओसी निर्माण करेगा उनके जो है ये मकान तोड़ दिए जाएंगे, पर लेकिन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या है पूरा माजरा, किस चीज़ को लेकर टाउन प्लानिंग ने जो है ये मकान यहाँ पर जो बन रहे थे इनको तोड़ दिया, इनकी नींवें खदेड़ दिए, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या है सर पूरा मामला। तो जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई, इस बारे में जो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या अब आगे कार्रवाई का धरना प्रदर्शन किया जाएगा कुछ अपनी? नहीं सर, पहले टाउन प्लानिंग ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके पता करेंगे कि दिक्कत कहाँ है, उसके बाद ही इसका कुछ समाधान निकलेगा। देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में। तो अब अगले आपका क्या कदम होने वाला है? अगले कदम तो देखो प्रशासन के साथ मिलकर ही बातचीत का समाधान होगा। वैसे तो देखो कोई कदम गलत उठाया मुझको तो फायदा नहीं, प्रशासन से मिलेंगे आगे की जो कार्रवाई होगी वो पता लगती रहेगी आपको। आपने जो लिस्ट मांगी उनसे कितने मकान है जो तोड़े गए हैं? उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी, उन्होंने कहा भी हमें नोटिस दिया था 2019 में, तो 2019 के बाद आज नोटिस है, उसके बाद तो रजिस्ट्री होगी 2020 में। तो इन प्लॉटों की मेरे हिसाब से 45% लोगों की रजिस्ट्री तो 2020 में, यानी कि ये एक तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन भी कहा जा रहा है और उनकी रजिस्ट्री भी हो गई। हाँ सर बिल्कुल, अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है तो रजिस्ट्री कैसे होगी और असेसमेंट कैसे होगी? खसरा नंबर का है, खसरा नंबर भी चढ़ चुका है, कारण क्या बताया? टैक्स भी 2 साल का गैप में, कोई कारण नहीं बताया, कारण क्या बताया? कोई कारण नहीं बताया, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा भी नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस कोई उन्होंने दिखाया नहीं जिसको हम ये कह सकते हैं कि सच्चाई है। आप लोगों का ये कहना है 2019 के बाद कोई नोटिस नहीं, हमारे को 2019 का भी नहीं पता भाई साहब। और इन बिटवीन रजिस्ट्रियां हो गई, इन बिटवीन रजिस्ट्रियां भी हो गई, असेसमेंट भी चढ़ गई, सब कुछ हो गया और अब कहा जा रहा है कि ये अनफोर्ड कॉलोनी है, 2 साल का टैक्स भी कटा हुआ भाई कमेटी कर। और यहाँ पर जो कुछ मकान बन रहे थे उन्हें भी तोड़ दिया गया। हाँ ये देखो मकान तो नहीं टूटे, बाउंड्री टूट गया, बाउंड्री तोड़ दिए, अंडर कंस्ट्रक्शन टूटा है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ जी हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं, मतलब आगे और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो बने हुए हैं मकान वो नहीं बिल्कुल भी टूटेंगे अभी, पर लेकिन ये जो नोटिस है तो हमारे बात करता भेजा, लेकिन जब तक बात क्लियर नहीं होगी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, बात का ही नहीं पता मैं क्या कहनी है। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्या करने वाले? अगला कदम तो साहब से मिलेंगे जी, जाके जैसे भी अफसर आदेश देंगे जो भी होगा वो कार्रवाई करेंगे जैसा भी होगा। तो देख पा रहे थे आप लाइव तस्वीरें कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जो टाउन प्लानिंग द्वारा जो यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो ये मकान बनाए जा रहे थे उन्हें तोड़ दिया गया था। तो देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरें, यहाँ पर लोगों की भीड़ है जिनके यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान बन रहे थे उनको तोड़ दिया गया है, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो है जो मकान है जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो टाउन प्लानिंग के तहत यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। तो देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में कि जो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान थे वो यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है माजरा। तो देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में महिलाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। माता जी क्या हुआ आज अचानक से? ये बस प्लाट लिए थे हमने, अब गरीब बंदे क्या आपका पेट पट्टी बांध का, किस तरह लिया हमने, किस तरह नहीं, रजिस्ट्री भी हमने चल बनवा दी थी इसकी, अब फिर तोड़ का गए हमारे प्लाट। क्या कह रहे हैं, हम तो थे नहीं यहाँ से, बाद में आए, अभी बाद में। तो अभी इतनी मेहनत से बनाया और रजिस्ट्री भी सरकार की तरफ से कर दी गई है, फिर तो कैसा लग रहा है आपको? क्या तो बड़ा दुख आ रहा है, बहुत दुख आ रहा जी, क्या हमने किस तरह बनाया, किस तरह नहीं है, रजिस्ट्री भी देखो आप, रजिस्ट्री भी है, या सारी रजिस्ट्री है हमारे पास की। अब पहले प्रशासन ने देखना चाहिए ना ये रजिस्ट्री कैसे बना रहे, उस टाइम भी तो ये जान सकते थे भाई रजिस्ट्री कैसे बना रहे। अब आन के ये बिना नोटिस दिए बिना कुछ दिए आन के एकदम तोड़ दिए सारे। अब अपने तो बच्चों का क्या, अब तक किस तरह मैं गरीब हूँ, किस तरह नहीं हूँ, इनके बाप गुजर गया था उसका मिला था जब हमने ये प्लाट लिया था इसके वास्ते।
तो देख पा रहे हैं आप किस तरह से लोग परेशान हैं। इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है, फिर टाउन प्लानिंग के तहत यहां पर जो इनके अंडर कंस्ट्रक्शन जो यहां पर मकान बन रहे थे उनको तोड़ दिया गया है। तो ये लोग बहुत ही समय मायूस हैं, और भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। आगे भीड़ लगी हुई है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो देख पा रहे थे आप तस्वीरें, मायूस है परिवार के लोग कि अचानक से इस देश के अंदर रजिस्ट्रियां हो जाती है, असेसमेंट हो जाती है, उसके बावजूद यहां पर जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको तोड़ दिया जाता है, उसे अवैध बता दिया जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधि हमारे देश में देखने को मिलती है। उनसे पूछिए जो लोग अपनी पाई पाई की मेहनत की कमाई करके इन मकानों को बनाते हैं, पर उसके बावजूद यहाँ पर उनकी रजिस्ट्री असेसमेंट होने के बाद मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो बुरे हालात इस देश के हैं। तो देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर